हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आई सी सेट के जनरल नॉलेज के यूनाइटेड नेशंस इस टॉपिक पर पहली क्विज लाए हैं। सबसे पहला सेट है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इस्टेब्लिश। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कब इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि उसकी कब स्थापना हुई। इसके ऑप्शन है 1945 ऑप्शन नंबर 1, 1946 ऑप्शन नंबर 2, 1947 ऑप्शन नंबर 3, 1950 ऑप्शन नंबर 4। तो इनमें से कब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1945 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इस्टेब्लिश इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। किस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को, 24 अक्टूबर को, 14 नवंबर को या 27 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है 24 नवंबर को। 24 नवंबर इज अ डे विच इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UNO इज कॉल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूएनओ को यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, पीस अग्रीमेंट, थर्ड चार्टर या फोर्थ डियोलेरेशन। इसके ऑप्शंस में फिर से दोहराता हूँ, मैग्ना कार्टा, पीस अग्रीमेंट, चार्टर या डियोलेरेशन। तो इन तीनों में से कौन सा उसका सही आंसर है, चार्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूएनओ का उसे चार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन। इंडिया मेंबर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना किस साल में, ऑप्शन नंबर ए 1945, 1947, 1949 या 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1945। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने होते हैं, 6, 8, 10 या 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10। देयर आर द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लीग ऑफ नेशंस वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। जो लीग ऑफ नेशन होती है वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसकी स्थापना कब हुई, कौन से ईयर में हुई, 1920, 1945, 1932 या 1924। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1920। द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द UNO केम इन टू एग्जिस्टेंस इन। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो कब एग्जिस्टेंस में आई, तो इसके ऑप्शन है 1920, 1945, 1935 या 1924। तो इसका सही आंसर है 1945। द UNO केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO इज एट। जो हेडक्वार्टर होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 वॉशिंगटन, 2 जिनीवा, 3 न्यूयॉर्क, 4 पेरिस। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज। नंबर ऑफ ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, 6, 7, 8 या 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6। द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन UNO इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ 2014। कितने मेंबर्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2014 के, या फिर कितने मेंबर थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो 2014 में हुआ उसमें, 160, 145 यानी कि 160, 145, 153 या 142। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देयर आर 160 मेंबर्स
इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने टोटल नंबर कितने हैं, 10, 15, 20, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15। देयर आर 15 नंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि 15 सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ जनरल असेंबलीज, टोटल नंबर ऑफ जनरल असेंबली यानी कि जनरल असेंबली के टोटल नंबर कितने हैं, अबाउट 150 बट बिलो 200, अबाउट 200 बट बिलो 250, अबाउट 250 या फोर्थ ऑप्शन अबाउट 100 बट बिलो 150। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अबो 150 बट बिलो 200, यानी कि 150 से ज़्यादा लेकिन 200 से कम, इतने नंबर होते हैं जनरल असेंबली के। द टोटल नंबर ऑफ जनरल असेंबली इज अबो 150 बट बिलो 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूएनओ, नीचे में से कौन सा देश यूएनओ का मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम, फिर वैटिकन, थर्ड नीदरलैंड या फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैटिकन। वैटिकन इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन, जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है जस्टिस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कहाँ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इंडिया में, 2 स्विट्जरलैंड, 3 नीदरलैंड एंड 4 इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीदरलैंड्स। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इम्ब्लेम ऑफ यूएनओ इज, जो इम्ब्लेम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन है, डो, एप्पल, ऑलिव ब्रांच या रेड क्रॉस, यानी कि जो इम्ब्लेम ऑफ यूएनओ यानी कि जो सिंबल है यूएनओ का वो क्या है, डो, एप्पल, ऑलिव ब्रांच या रेड क्रॉस। इसका सही आंसर है ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच इज द एम्ब्लेम ऑफ यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 16, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है, वॉशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिनेवा में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट जिनेवा, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, जो हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, रोम में या जिनेवा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिनेवा में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO वो है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को स्ट्राइव्स फॉर, यूनेस्को स्ट्राइव्स फॉर, यूनेस्को किसके लिए बना है, establishing peace in the world through education, science and culture, 2 non-alignment movement, 3 financing scientific and cultural programs, 4 none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, establishing peace in the world through education, science and culture, ये है यूनेस्को का पहला काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एट, जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वो कहाँ है, जिनेवा में, पेरिस में, वीना में या न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीना में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एट वीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, नीचे देखो में से कौन सा यूएनओ का ऑर्गन नहीं है, यूनेस्को, इकोसॉक, स्क्रिट एरियट या UNDP। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूनेस्को। यूनेस्को इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनेओ, बाकी के इकोसॉक, सीक्रेट एरियट एंड UNDP ये ऑर्गन है यूनो के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनो, नीचे देंगे में से कौन सा एजेंसी नहीं है यूनो की, ICJ, WHO, IPU या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ICJ, ICJ इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ,
सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था यूएनओ का? ट्रिग्वे लाई, टैग हमर सके जोइल्ड, यूटंत बॉट्रस बॉट्रस गली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्राइगे ली। ट्राइगे ली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिसम्बर 10 इज ऑब्जर्व एज, डिसम्बर 10 ये ऑब्जर्व एज, इसे किसे किसके माना जाता है, कौन सा डे कहा जाता है डिसम्बर 10 को, या फिर कौन सा डे होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, यूएन डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, या ह्यूमन राइट्स डे? तो इसका सही आंसर है ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ डिजाइंड 2014 एज, जो जनरल असेंबली होती है यूएनओ की, वो डिजाइन की गई 2014 में एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन 2014 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन यूएनओ, कितने मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ के? 192, 191, 193 या 189? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 193 मेंबर कंट्रीज इन द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जनरल नॉलेज के यूनाइटेड नेशन इस टॉपिक पर। ये पहला सेट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन सेट का। तो इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच।